दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। अमृतसर के भीड़भाड़ वाले इलाके कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर दो गुटों में हुई फायरिंग के चलते दो लोग घायल हो गए। ये फायरिंग पुरानी रंजिश को लेकर हुई। इस फायरिंग में घायल हुए दो लोगों की पहचान छन्ना और मौलिस मसीह के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। आज सवेरे करीब 11:30 बजे जी पटवारखाना जिहड़ा हैगा कचहरियां दे बिल्कुल लागे उहदे सामने ते दो मुंडे सीगे एक्टवा दे उत्ते, उहदा नाम करन ते सिंदर सीगे। उहनां दोनां ने जिहड़ियां इन्हां दो लड़कियां नूं जिहड़े मॉरस ते सना इन्हां नूं गोलियां मारियां हैगियां और उस तों बाद असीं हॉस्पिटल दाखल करवाया। और ये जिहड़ा इन्हां दा मसला हैगा ये आपसी रंजिश दा हैगा क्योंकि ये सारे रतन सिंह चौंक दे विच पहलवानां दा खाड़ा हैगा उत्थे कुश्ती लड़दे हैगे ते उत्थों इन्हां दी आपसी रंजिश चलदी जिस करके इन्हां दा झगड़ा गोली रंजिश इन्हों का रात भी जो दसन के मुताबिक थोड़ा रात इन्हों का आपसी तकरार होया उस तो संबंध में झगड़ा होया उत्थे करीब 7-8 फायर की जो वेरीफाई किया उत्थे इलाज कराया जा रहा। असी 307 का केसिस कर रहे हैं तो दोषियों की भाल जारी।